आसमा किचन में खुश आमदी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी देने जा रही हूँ। वो रेसिपी है कबाब पराठा। कबाब पराठा, ये मैं रोल पराठा कबाब बनाऊँगी, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। इसके साथ जो हमने चटनी बनानी है उसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। पहले हम सबसे पहले आटा गूंथ लेते हैं पराठों के लिए। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, मैदे को मैंने छान लिया है। 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, बेकिंग पाउडर जो हम केक में यूज़ करते हैं वो बेकिंग पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है। 1 टीस्पून मैंने शुगर लिए, आइस शुगर लिए, 2 चुटकियां नमक की लिए। ये सब चीज़ें हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आटे में और इसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद के साथ मिक्स करेंगे। एक जग में हमने पानी ले लिया है, हसबे ज़रूरत हमने पानी इस्तेमाल करना है। और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हाथ हमने अच्छे तरीके से धो लिए और आटा गूंथेंगे हम। बिस्मिल्लाह, आटा हमने अच्छे तरीके से इस तरह का गूंदना है, ना नरम हो आटा और ना ज़्यादा सख्त हो। अब इसको हम अच्छे तरीके से गूंदेंगे दोनों हाथों की मदद से आटे को। आटा हमने गूंद लिया है, आटे को हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। इतनी देर में हम अपने कबाब बनाने लगते हैं, हमने कबाबों पे कौन सा मसाला शामिल करना है। आटा हमने गूंद के रख दिया है, वो 1 घंटे के लिए रखा है हमने आटे को। अब हम कबाब बनाते हैं। कबाबों के लिए मैंने 1 ब्रेस्ट ली थी, उसका मैंने कीमा कर लिया घर पे ही। ये चटनी के लिए दही लिया 1 कप और इसमें हरा धनिया है, पुदीना है और 2 हरी मिर्ची हैं। 1/2 गड्डी हरे धनिए की, 1/2 गड्डी पुदीने की और 2 हरी मिर्चें, इसको मैंने बारीक पीस लिया है। 1 कप मैंने दही का लिया है। कीमा लिया है मैंने 1/2 kg के करीब कीमा लिए। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है और इसमें 1 छोटा सा प्याज लिया है मैंने और 2 अदद जो है लहसुन के जवे हैं, इसको मैंने बारीक पीस लिया है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, इसको बारीक कूटा है मैंने। 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। गार्निश के लिए मैंने प्याज लिया है, टमाटर लिए और केचप लेंगे। 1 कप घी का है और कोयला 1 अदद लिया है। सबसे पहले हम कीमे को हम मैरिनेट कर लेते हैं। कीमा मैंने 1 बॉल में डाल दिया है। सबसे पहले लहसुन और प्याज का पेस्ट मैं शामिल कर रही हूँ। इसमें मैं गरम मसाला पाउडर, नमक, धनिया, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, इन सब चीज़ों को हाथ की मदद से मिक्स कर दूँगी। पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्च का 1/2 पेस्ट मैं इसमें शामिल कर दूँगी और 1/2 पेस्ट मैं इसमें दही में शामिल कर दूँगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ही नाइस खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी और यमी बनते हैं। ज़रूर आप मेरी रेसिपी को ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इसके सीख कबाब बनाते हैं। 1 पैन के अंदर मैंने घी शामिल किया है, इसमें मैं रख माने रही और कोयले को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। सो करेंगे बिल्कुल। 1 मैंने स्टिक पकड़ लिए और स्टिक के साथ मैं ये कबाब बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह बना के और मैं उसको फ्राई पैन में डाल दूँगी। इसी तरह मैं सीक के ऊपर लगाऊंगी इसको, स्टिक के ऊपर, और इसको मैं एक फ्राई पैन के अंदर शामिल की जाऊंगी। प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट्स में बताया करें आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है। और बेल के बटन को क्लिक करेंगे तो आपको मेरी तमाम जो आने वाली नई वीडियो हैं वो मिलेंगी, सबसे पहले आपको मिलेंगी। बच्चों को ज़रूर बना के दिया करें, घर की चीज़ बना के दें,
बाहर की बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि बाहर का बहुत ही जो है पता नहीं किस तरीके से बना के देते हैं वो लोग, घर पे ही बच्चों को बना के दें। इसमें शामिल कर दूंगी, मैंने सीख कबाब इसमें स्टिक से बना के इसमें शामिल कर दी है। अभी मैंने इसको बिल्कुल भी साइड नहीं पलटा, एक साइड से ब्राउन हो जाएंगे फिर हम इसका साइड चेंज करेंगे। ये मैंने सारे बना लिए। अब मैं एक स्टिक लूँगी, लकड़ी के चम्मच से या प्लास्टिक के चम्मच के साथ इसको हम इसको साइड में चेंज करेंगे। कितना नाइस फुल कलर आया है इसका, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी कलर आया है। देखो नाइस फुल कलर के साथ इसकी खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है। हमेशा एहतियात से काम करें, अपने हाथ को भी बचाएं और फेस को भी बचाएं अपने, कि कोई छींटा वगैरह ना चल जाए। ध्यान से देखो, अल्लाह का जिक्र करते हुए पकाएं। तो हमने सारे तवाज़ों को साइड चेंज कर दिए। नाइस कलर आ गया, कबाब बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इसको निकाल रहे हैं और एक डिश में डाल के इसको कोयले का धुआं देंगे। हमने एक कोयला एक उसमें डाला है, उसके ऊपर हमने गरम किया थोड़ा सा हम ऑयल शामिल करेंगे और अब कबाबों को हम ढक देंगे। कबाब हमने इसको एक प्लेट पे मैंने निकाल लिया है, अब मैं साइड पे करूँगी। अब हम इसके पराठे बनाएंगे। आटा देखिए हमारा कितना सॉफ्ट हो गया, बहुत ही सॉफ्ट, और देखिए ना ज़्यादा मैंने नरम है ना ज़्यादा ये सख्त है आटा। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखिए बस ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं लेने हमने, बिल्कुल छोटे छोटे हमने पेड़े लेने, इतने लेने हमने। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। इस तरह के पेड़े हमने लेने, करके इस तरह का हमने बस इतना हमने गोल छोटा सा पराठा बनाना है। अब हम इसको तवे पे डालेंगे। ये देखिए हमने फ्राई पैन ले लिया, उसमें हम पराठे बनाएंगे। देखिए बहुत ही अच्छे और टेस्टी पराठे, ना ज्यादा ये ऑयली होंगे, ऑयली भी नहीं होंगे कि ये बहुत ज़्यादा ऑयल होगा इसमें। हल्का हल्का सा हम घी लगाएंगे ऊपर से। इतना सॉफ्ट जो है पराठा बन रहा है हाँ, और ये देखिए इसके देखें इस किस तरह फूल रहा है। ये देखिए बिल्कुल पिज़्ज़े की तरह ये पराठा बनेगा हमारा। ऊपर से हम इसको हल्का हल्का सा ऑयली करेंगे ब्रश के साथ। ज़्यादा हमने ऑयल नहीं लगाना, यह घी हमने ज़्यादा नहीं लगाना इसको हल्का। ये देखिए हमारे पराठे कितने सॉफ्ट बन रहे हैं, और इसमें मैंने आई लगाया और ये इतने अच्छे पिज़्ज़े की तरह, जिस तरह पिज़्ज़े की रोटी होती है इस तरह फूल रहे हैं। ये देखिए बहुत ही पराठे हमने देखें बना लिए, कितने सॉफ्ट हमारे पराठे बने। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, ये देखिए, ये देखिए कितने प्यारे पराठे बने, बिल्कुल पिज़्ज़े की तरह ये पराठे बने। अब हमने एक पराठा लेना है, इस पर मैंने ये मैंने सीख कबाब लगाना है,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने प्याज टमाटर ऊपर से ये मैंने ये जो केचप है ये मैंने स्पाइसी केचप लिए दही दही की ये चटनी बहुत ही टेस्टी और ये चटनी ज़रूर बना के इसमें डालें बहुत ही टेस्ट आएगा। ये देखिए अब आपने इसको ये हमने जिस तरह एक बनाया है हम इसी तरह ये दूसरा भी हम बना लेंगे। सबसे पहले प्याज डालेंगे टमाटर डालेंगे और केचप स्पाइसी। बच्चे अगर आपके सादे पसंद करते हैं केचप स्पाइसी नहीं खाते तो आप स्पाइसी ना डालें, मेरे बच्चे स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह इसको मज़ेदार किस्म के सीख पराठे हमारे कबाब पराठे तैयार हो गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।